मधेपुरा में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर जिले के सभी थाना क्षेत्र में बाइक चेकिंग और पुलिस की छापेमारी से पुलिस बल को मिल रही भारी सफलता। पिछले दो दिनों में एक शिक्षक सहित तीन अपराधी हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार हुए। तीनों के विरुद्ध अलग थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया है। SP योगेंद्र कुमार ने शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शुक्रवार की रात मुरलीगंज के श्यामदेव ठाकुर पुलिस बल के साथ अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए खिखरिया गाँव की ओर जा रहे थे कि रास्ते में बांस बीट के पास एक युवक जा रहा था। पुलिस को शंका होने पर रुकने का इशारा किया तो उसने भागने की कोशिश की, तो चौकीदार और पुलिस बल ने खदेड़कर उसे पकड़ लिया। युवक की तलाशी लेने पर एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने जब पूछताछ की तो ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के अरार आरोपी में कहड़वा गाँव का जयकृष्ण यादव का पुत्र लट्टू कुमार को रूप में उसकी पहचान हुई। घटना को लेकर मुरलीगंज थाना के आर्म्स एक्ट के तहत उसमें मामला दर्ज किया गया। SP ने बताया कि शुक्रवार की रात ग्वालपाड़ा थाना अध्यक्ष के साथ पुलिस अवधेश कुमार सिंह और पुलिस बल के साथ ग्वालपाड़ा बाजार के पास बाइक चेकिंग कर रहे थे कि अरार की ओर से आते एक पल्सर बाइक से दो सवार युवकों को देखकर पुलिस ने कुछ इशारा किया तो दोनों युवक भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने खदेड़कर एक युवक को पकड़ लिया जबकि दूसरा युवक भागने में सफल रहा। पकड़ाए गए युवक से पूछताछ में युवक की ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र में अरार OP के विशुनपुर गांव के वासुदेव मंडल का पुत्र अभिनंदन कुमार के रूप में पहचान हुई। युवक की तलाशी में देसी कट्टा और दो गोली बरामद हुई। घटना को लेकर ग्वालपाड़ा थाना में मामला दर्ज किया गया है। SP श्री कुमार ने बताया कि गुरुवार को सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास कमांडो हेड विपिन को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक हथियार के साथ एक चाय की दुकान पे बैठा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। कमांडो ने तत्काल सिंहेश्वर थाना क्षेत्र को सूचना दी और फिर दोनों तरफ से घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा पर पुलिस ने खदेड़ कर उसे दबोच लिया। तलाशी में एक लोडेड पिस्तौल और चार कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उसकी सदर थाना क्षेत्र के पथराहा गांव के राजेश्वर यादव का पुत्र प्रमोद कुमार के रूप में पहचान हुई। पूछताछ में यह भी पता चला कि प्रमोद सरकारी स्कूल का शिक्षक है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ शिक्षा विभाग को लिखा जा रहा है। शिक्षक हथियार के साथ वहां क्या करने आया था यह पता किया जाना चाहिए, साथ ही उसके आपराधिक पृष्ठभूमि को खंगालना चाहिए। घटना को लेकर सिंहेश्वर थाना में मामला दर्ज किया गया है। तीनों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने तीनों को जेल भेज दिया। इसमें कल हमें दो जगह सफलता मिली, उपलब्धि मिली है। दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों के पास से ही एक एक देसी कट्टा मिला है और कुछ जिंदा कारतूस मिले हैं। एक उपलब्धि ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र में हुई है कल और एक हुई है मुरलीगंज थाना क्षेत्र में। दोनों ही अपराधियों को गिरफ्तार करके आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है और इसके अलावा इनसे इंट्रोगेशन में हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, तो उसको भी हम लोग एकत्रित करके उस पर भी जल्दी कार्रवाई करेंगे। हमारी वाहन चेकिंग में जो हमारे जवान थे, अधिकारी थे और गश्ती गाड़ी थी, अच्छा काम किया उन्होंने, उसको भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे।